भारतीय जनता युवा मोर्चा के शिवनगर मंडल की कार्यकारिणी घोषित अनिल मौर्य बने मंडल अध्यक्ष तथा प्रशांत सिंह धम्मौर चुने गए मंडल उपाध्यक्ष। आज मुख्य विकास अधिकारी राधेश्याम ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार की मंशा अनुसार किसानों की शिकायतें समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाए। विकास भवन में आज किसान दिवस पर किसानों की सुन रहे थे समस्याएं। जिलाधिकारी सुल्तानपुर ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान एक पुनीत कार्य, इस पुनीत कार्य में जनपद वासियों एवं उचित विक्रेताओं का पूर्ण सहयोग अपेक्षित थी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला कार्य समिति सदस्य आकाश सिंह ने धम्मौर सेक्टर के बूथ संख्या 311, 312, 314 तथा 315 पर घर घर जाकर बूथ कार्यकर्ताओं को बटका पहनाकर किया सम्मानित। सुल्तानपुर के लम्हुआ ब्लॉक के जमखुरी गांव के क्षेत्र पंचायत सदस्य राजेश सिंह की माता का निधन, वे पिछले कई दिनों से चल रही थी बीमार। खबरें अमेठी से। बैंकों की सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए अमेठी पुलिस ने जनपद के समस्त थानों द्वारा बैंकों के अंदर संदिग्ध व्यक्तियों से की पूछताछ। अमेठी के थाना शिवरतगंज पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। खबरें रायबरेली से। रायबरेली के प्राथमिक विद्यालय कैर के नौ निहालों ने मनाया विश्व शौचालय दिवस। रायबरेली में कस्बा सहित समूचे जनपद में मनाया गया ईद मिलादुल नबी का जश्न, प्रशासन रहा मुस्तैद। रायबरेली के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के जनई गांव में बाग में चल रहे जानवर के भड़कने से 13 वर्षीय बालिका हुई घायल। रायबरेली के सरेनी थाना क्षेत्र अंतर्गत युवकों ने छेड़छाड़ करने पर विरोध करने वाली युवती को किया आग के हवाले।